नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की। अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है, इसमें किस तरह की चीजों का पालन करना चाहिए, क्या इसका विधान है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे आज का अचूक उपाय क्या है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है। देखिए, दीपावली के तीसरे दिन, मोटे तौर से तो शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन भी कह सकते हैं, अन्नकूट और गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। मुख्यतः ये प्रकृति की पूजा है जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पूजा की जाती है, गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा होती है। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे ये पूजा पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गई। इस बार अन्नकूट और गोवर्धन पूजा आज दोपहर में की जाएगी और आज ही ये पूजा करना उत्तम होगा। अन्नकूट का पूजा विधान क्या है इसको जानेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, यात्रा से बचाव करें, वाद विवाद से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, नौकरी में आपके बेहतरी होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन आपका और भी ज्यादा बढ़िया होगा। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अन्नकूट की जो पूजा होती है वो किस प्रकार से की जाती है। देखिए, वेदों में अन्नकूट वाली पूजा के दिन वरुण, इंद्र और अग्नि की पूजा की जाती है। साथ में गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है और उन्हें फल और मिठाइयां खिलाई जाती हैं। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके बाद उसकी पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से उपासना की जाती है। अन्नकूट वाले दिन घर में एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन बनता है। भोजन में विविध प्रकार के सात्विक पकवान बनाए जाते हैं जिनका भोग भगवान कृष्ण को लगाया जाता है और उसके बाद उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। गोवर्धन पूजा कैसे करेंगे, उसका विधान क्या है, ये भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, परिवार में तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक
कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, पुरानी समस्या से मुक्ति मिलेगी, छोटी यात्रा हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, रिश्तों की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, संपत्ति का अर्जन होगा, करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि गोवर्धन पूजा कैसे करेंगे। सुबह के समय शरीर पर तेल लगाकर तेल मल करके स्नान करिए। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाइए। गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाएं। पास में ग्वाल बाल पेड़ पौधों की आकृति भी बनाएं। इसके मध्य में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति या उनका एक चित्र रख दें। इसके बाद भगवान कृष्ण, ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें। भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं। गोवर्धन पूजा की कथा सुने, प्रसाद को बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें और इसके बाद सारे लोग मिल करके एक साथ भोजन करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में अनावश्यक विवाद हो सकते हैं, चोट चपेट से सावधान रहें। लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, शिक्षा के मामले में सफलता मिलेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, आर्थिक लाभ होगा, मानसिक तनाव दूर होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज प्रातः काल या सुबह के समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।